अबोर दे विच राजा वड़िंग दे वल्लों मुख्यमंत्री भगवंत मान दे उत्ते निशाना साध्या गया। हुण साडी सरकार दे नालों पांच गुणा ज़्यादा नशा पंजाब दे विच, कई मावां दे पुत इह नशा निकल चुके है पर पंजाब सरकार अजे भी गूढ़ी नींद सुती पई है। कैप्टन ने भी नशा खत्म करन दी सौं खाधी सी, पंजाब दे विचों नशा खत्म नहीं होया। ते हुण राजा वड़िंग दे वल्लों जिहड़ा आम आदमी पार्टी दे उत्ते भी सवाल चुके जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि साड़ी सरकार के नालों भी पांच गुणा वध हुण नशा पंजाब दे विच विक रहा है। पंजाब सरकार अजे भी गूढ़ी नींद सुती पई है। पंजाब की जवानी, पंजाब के नौजवान नशे की भेट चढ़ रहे हैं। कैप्टन के उत्ते भी उन्होंने सवाल चुके है। सरकारां नूं की हो गया? मैं अजे कहती आया कि कांग्रेस पार्टी के राज में नशा बंद सीगा, नहीं असी एक दूजे पे ब्लेम गेम ला रहे हैं। पहली सरकार पे, दूजी सरकार पे, दूजी सरकार पे, तीजी पीना जी, लेकिन असी एरे असे मुकदा प्रबंधक मुकम्मल बंदोबस्त कोई नहीं कर रहे हैं। आज लोड़ है, आज पंजाब नू लोड़ है, पंजाब मर जाएगा। मैनू उम्मीद सी कि एक अध्यापक दा मुंडा पंजाब दा मुख्यमंत्री बने है, लेकिन आज डेढ़ साल बीत जान तो बाद आज राजा वड़िंग ने इस करके रशे के खिलाफ धरना लाया कांग्रेस कमेटी ने कि हर पिंड दे विच जदों मैं जाना है, महल्ले दे विच जाना है, लोग कहिंदे कि नशा तुहाडी सरकार नालों पांच गुणे वध हो गया है। जे एक मौत होंदी सी अज पांच मौतां हो रही ने, अज कुड़ियां नशा लाउण लग पईआं ने। इहनी एक पंजाब दे ठग ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिन्हें गुटका साहब की सौ खाधी सी कि नशा तीन हफ्तिया च बंद कर दूंगा। उन्हें भी कहा सी मैं तीन महीनों च तीन हफ्तिया च नशा बंद कर दूंगा, लेकिन नशा त्यों दा त्यों रहा। गुटका साहब की सौ खा के जिस बंदे ने झूठ बोलिया, अज पंजाब दा कोई व्यक्ति उन्हूं सलाम बुलाउणा नहीं चाहुंदा जिन्हूं वेखण वास्ते हजारां लखां दी तादाद दे विच लोक सड़कां ते आया करदे सन, ते जिन्हूं इक दरमियाने व्यक्ति ने दरमियाने राजा वड़िंग दे वल्लों ये बयान दिता गया। तो उस तो बाद आम आदमी पार्टी इस दे उत्ते की कहना चाहुंदी है। अहबाब गरेवाल साडे नाल जुड़े हुए ने आम आदमी पार्टी तों। गरेवाल साहब, राजा वड़िंग ये गल कहिंदे आ कि साडी सरकार दे वेले जो नशा सीगा उस तो पांच गुणा वध आम आदमी पार्टी की सरकार वेले आ। हालांकि कहिंदे सी कि असी नशे नूं जिहड़ा उह पंजाब दे विच्चों खत्म करांगे। अजिहा बयान उन्हां दा देना कि वाकई पंजाब दी सच्चाई है? देखो जी, जदों देश दे प्रधानमंत्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नूं कोट्स कर सकदे लोक सभा च, कांग्रेस तो सिखदी उन्हां तों है। राजा वड़िंग जी के बयान का आधार की है मैनूं पता नहीं, बड़े भावुक होके बोल रहे थे, उदन नीच भी खड़े होके पता नहीं की बोल रहे थे। पर गल ये है कि थोड़ी जी जानकारी दसता दे ना सब तो वध ड्रग रिपोर्टिंग पंजाब च आम आदमी पार्टी के आने के बाद हुई है। मैं नहीं कह रहा, एनसीआर दी डेटा कह रहा, पहली गल। दूजी गल बड़ा स्पष्ट है जी, पंजाब दे विच जद दी आम आदमी पार्टी सरकार आई है नशे तस्करां नूं ते गैंगस्टर्स नूं जीरो संरक्षण है, जीरो संरक्षण। ते जदों जीरो संरक्षण है, किसी थाने च कदे फोन नहीं जांदा कि इहनूं छड्ड दिओ, किसी थाने च कदे इह नहीं कहा जांदा कि इस बंदे ते केस ढिल्ला मिठा कर दो। सो जदों इह होऊगा उदों बस्ट भी होऊगा, उदों रिपोर्टिंग भी होऊगी, ते उदों फड़े भी जाणगे। एंड मोर इंपोर्टेंट ਇਹ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਦਮ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਫੈਕਟ ਇਸ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੌਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਊ? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, तुम बहुत बदकिस्मती की गल है कि पंजाब के एक कल्चर से कि
स्पॉन किया जा रहा है कि इंप्यूनिटी ना करो इंसरक्शन दो। आप सब जानते हैं, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, बट कार्टेल्स नू सब इंप्यूनिटी नाल संरक्षण दिता जाता है। एंड नौजवानों वो बेचारे करन की जो बच्चों की नौकरी का बच्चों के काम का कोई ख्याल ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई का कोई ख्याल ही नहीं, तो बच्चा खराब ही हो। पहला सत्था च बुढ़े बहने होंगे, हूँ जवान बहते हैं पिंड च। वेरी सैड बट असी मल्टीप्रोक अटैक कर रहे हैं एंड असी लोगों को अपील कर रहे हैं कि सब तो पहला एक्सेप्टेंस के मनो कि साढ़े समाज एक घुण लगे है, वो घुण लगे उन्होंने खत्म करा। वो हूँ ये एडे लैवल से बीमारी फैल गई है जी कि हमने लुकाने वाली गल नहीं रही। देखो लोग तो कह ही रहे हैं जी, लोग किवें कहण जे किसी दे पुत मर जांदा तो वह तो कहिंदा ही है कि हाँ मेरे पुत का सिवा बल रहा नशे का आदि सीगा, असीं भी इहनूं रोकदे रहे पर सरकारां भी नहीं रोक सकियां। सर देखो सरकार का काम हुंदा सब तो पहला इहो जिहा माहौल देना कि बच्चों को काम मिले, बच्चों को फ्यूचर दिसे। मान साहब की सरकार जद दी बणी है दिन रात इहदे च काम कर रही है कि पंजाब च इक सुखावां माहौल बने, पहली गल। दूजा सरकार की ड्यूटी हुंदी है कि जिहड़े भी इहो जिहे तस्कर ने, जिहड़े भी इहो जिहे गलत करैक्टर ने, उन्हां ते ठल लाई जाए, उन्होंने किसी भी तरीके का साह ना लैन दिता जाए। नंबर दो ते सरकार वो कर रही है, नंबर तीन ते सरकार का काम हुंदा कि एक बेसिकली एक समाज विच एक चेतना लियाउणी। सो असी वो तिने चीज़ां कर रहे हैं। कामयाबी का लैवल की है आई माइट बी वेरिड, बट एक जरूर है कि नीत च कोई कमी नहीं एंड चंगी नीत नाल काम हो रहा। आई एम श्योर सारे पंजाबी रल के एक कोड भी ला लेंगे। ठीक है अग्रवाल जी, धन्यवाद जुड़न दे लई। तो राजा वड़िंग एक पासे कहिंदे आ कि पंजाब दे विच जो नशा साडी सरकार दे नाल ओह पंज गुणा वध गया, लोग पिंडां दे विच जदों असीं जांदे आ तां लोग इस गल दा जिक्र करदे आ, पर दूसरे पासे आम आदमी पार्टी इह दावा कर रही है कि साडी सरकार दे वल्लों नशियां दे मसले दे उत्ते जीरो टॉलरेंस दी जिहड़ी ओह नीति है कि कोई तस्कर जे फड़िया जांदा तां उस दे लई फोन नहीं जांदा, उहनूं छडाउण दे लई साडे वल्लों कोई सिफारिश जिहड़ी नहीं हुंदी। पर एक वड्डी समस्या इस गल नूं भी उन्होंने मन्निया कि पंजाब के नौजवान नशे की ओवरडोज़ नाल मर रहे हैं, पर इस दे हल वाले पासे भी असी जा रहे हैं। जिस तरह वो कहिंदे कि बेरोजगारी एक वड्डा मसला या रुजगार नहीं उन्होंने कोल, काम के साधन नहीं, तो उस करके नशे वाले पासे वो जाते हैं। तो साडी सरकार लगी हुई है कि इस राहां तों उन्होंने मोड़िया जाए।